हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम का स्वागत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में आज एक फुल रेफरेंस कोर्ट का आयोजन किया गया। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने 22 जून को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इस अवसर पर बोलते हुए न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में सेवा करना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो मद्रास उच्च न्यायालय के चौथे न्यायाधीश हैं, उन्हें एसपी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश होना एक शुभ शगुन है, क्योंकि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं, जो वास्तव में रामायण महाकाव्य की रचना करने के लिए ऋषि वाल्मीकि के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने कहा है कि वो अपने शानदार पूर्ववर्तियों का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। वो हाईकोर्ट के ध्वज को ऊंचा रखने के लिए भाई जजों, बार और रजिस्ट्री के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने की आशा रखते हैं। न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम का न्यायालय में पहले दिन स्वागत किया और कहा कि न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम के पास न्यायाधीश के रूप में एक विशाल और विविध अनुभव है, साथ ही साथ उनकी योग्यता और कानूनी कौशल भी अद्वितीय है। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। विल यू डाउट योर ड्रीम्स और डिसाइड टू सक्सीड एट शूलिनी यूनिवर्सिटी? यू जॉइन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टॉप प्रोफेशनल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success.